हेलो नमस्कार, मैं मोहम्मद शफ़ी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि कर्नाटक के जो सीएम थे BS येदियुरप्पा, वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। पिछले 15-20 दिन से ये कवायद चल रही थी कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, BJP से हैं वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा विधायक थे और हाई कमान को ये लेटर भी पहुँचाए थे विधायक कि इनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि विधायक जो थे और मिनिस्टर जो थे वहाँ के कर्नाटक के, वो लोग इनसे खुश नहीं थे। तो उन्होंने दिल्ली में गए और मोदी जी से और अमित शाह जी से बात की, तो उन्होंने इस्तीफ़ा की पेशकश की, मतलब कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, 26-27 तक आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो वो कर्नाटक पहुँचे, कर्नाटक गए तो लिंगायत समूह के जो लीडर थे, धर्म के जो लीडर थे, उनके साथ मीटिंग थी। उन्होंने सोचा कि भाई परेशर डलवा कर हम, हो सकता हो कि इस्तीफ़ा हमको ना देना पड़े। तो लिंगायत समूह के जो धर्म का कार्ड खेल रहे थे, लिंगायत समूह के लीडरों को इकट्ठा किए थे, क्योंकि वहाँ पर लिंगायत वोट बैंक बहुत ज़्यादा है कर्नाटक में। तो सोचे थे कि हम लिंगायत को भड़का कर पार्टी के विरोध में जाएंगे और इस्तीफ़ा देना ना पड़े। लेकिन ये सब कवायद कई दिन से चल रही थी, लेकिन ये सब काम नहीं आया। तो आज उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस्तीफ़ा दे दिए हैं। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि राज्यपाल कल रात से, जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो कल रात ही दिल्ली में थे, कल रात ही चले गए थे कर्नाटक। तो ये कवायद चल रही थी कि दोपहर तक उनका इस्तीफ़ा आ सकता है। तो 11 बजे तक उनका इस्तीफ़ा, 12 बजे तक इस्तीफ़ा आ गया। तो अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कोई शपथ लेगा, 1-2 दिन में उनका ऐलान हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि कर्नाटक के जो CM थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस में वो पेश कर दिया है और उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। तो अब कर्नाटक के एक नए मुख्यमंत्री बहुत जल्दी BJP ऐलान करने वाली है। तो जैसा भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।